आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मजेदार नाश्ता एक आलू और सूजी का इस्तेमाल करते हुए। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूले। हेलो दोस्तों, मैं शामली, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डाली एक कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1/4 कप मैदा। आप मैदा के बदले बेसन डाल सकते हैं या फिर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मिला लें। मिलाने के बाद 1/2 कप दही डाल दें। तो ध्यान दीजिएगा दही खट्टी ना हो, पहले ऊपर ऊपर मिला लें ताकि दही फिट जाए। और अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे। देखिए बार ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, हमें बस सूजी भीगने भर ही पानी डालना है। और चम्मच से मिला लेंगे, वापस से थोड़ा पानी डालें। तो अभी तक मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जरूरत महसूस होगी तो 1-2 चम्मच हम बाद में पानी डालेंगे। इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर आप भी रखिएगा। और अब बहुत जरूरी है कि 10 से 15 मिनट हम बैटर को रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। हमें आलू के बारीक लच्छे चाहिए और अब हम कसे हुए आलू को पानी में डाल देते हैं और पानी बदलते हुए आलू को धो लेते हैं। आलू के लच्छे को धोने के बाद मैंने पानी से निकाल लिया है। इधर 10 से 15 मिनट हो चुका है और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और बैटर थोड़ा सख्त भी हो गया है। तो बाकी की चीज डालने से पहले हम एक बार मिला लेते हैं ताकि सूजी के दाने घुल मिल जाए कुछ सेकंड मिलाने के बाद। और अब यहाँ पे मैंने एक कलछी यानी एक लैडल को गर्म कर लिया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच ऑयल डालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले, इसलिए मैंने चूल्हे से उतार लिया है। और अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, 1/4 टीस्पून राई और 5 से 6 करी पत्ता। गरम गरम तड़के को सूजी के बैटर में डाल दें। तो जरा सा ऑयल से तड़का लगा देने से नाश्ते का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और अब हम गरम गरम तड़के को तुरंत बैटर में मिक्स कर लेते हैं ताकि फ्लेवर सब बैटर में समा जाए। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मसालों में हमें बस इतना सा ही डालना है, इसलिए तड़का लगाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वापस मिला लीजिए और अब डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो हाथों से ही पानी निकालते हुए डालें। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती, साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज, प्याज को बारीक ही काटे, 1 हरी मिर्च, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, 2 इंच कसा हुआ अदरक। और अब वापस से सभी चीजों को मिला लीजिए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है। तो नमक डाला है ना, तो प्याज और आलू से रस अलग होंगे तो बैटर खुद ब खुद गीला हो जाएगा, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगा तब हम बाद में 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा, तो अच्छे से हम कुछ सेकंड के लिए मिला लेते हैं। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब आपको नाश्ता बनाना हो तभी ऊपर से नमक डालिएगा और साथ में डालिएगा 1/4 टीस्पून खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। सोडा डालने के बाद 1 छोटी चम्मच पानी डालें, पानी बिल्कुल भी ज्यादा ना डालें। तो थोड़ा सा पानी डाल देने से सोडा बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं और सोडा डालने से नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट जालीदार फुला फुला बनेगा। और अब हम मिला लेते हैं। तो टोटल मैंने 7 चम्मच यानी 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया। तो मैं आपको एक बार चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी ज्यादा ना डालें। तो अगर आप तला हुआ नहीं खाना पसंद करते तो आप अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। तो आज हम फ्राई करने, तो हाथों को पानी से भिंगोते हुए इस तरीके से थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और धीरे से हम ऑयल में इस प्रकार डाल देंगे। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें। और अब हम धीमी आंच पे इस तरीके से किनारे से वड़े का मिक्स हाथ में लेते हैं और इस तरीके से लेते हुए हम अंगूठे से धक्का देके कढ़ाई में वड़ों को डालते हैं इस प्रकार। तो हम मीडियम साइज का वड़ा बनाएंगे यानी कि भज्जी को बनाएंगे। तो एक बार में जितना आटे उतना डालें
अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं और एक दूसरे में जाके चिपकते नहीं हैं। तो इसी तरीके से हम किनारों से मिक्स को हाथ में लेते हैं और ऑयल में डालते जाएंगे। तो एक बार में मैंने बहुत सारे पकौड़ों को डाल दिया है और अब डालने के बाद हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं, यानी कि मीडियम कर देते हैं ताकि एकदम से तेल का तापमान कम नहीं हो। इसी तरीके से फ्राई होने दें, एक मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। कच्ची में बिल्कुल भी पलटी ना करें वरना टूट भी सकते हैं। एक मिनट हो चुका है तो मैं आपको स्पैचुला इस प्रकार डाल के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो जब हल्का सा कलर आए ना तभी पलटी करें ताकि चारों तरफ से सुनहरा कलर आए। तो जो भज्जी हमने पहले डाला उनमें कलर आ चुका है, तो बस इसी तरीके से हम उल्टी पलटी कर लेते हैं। उलटने के बाद इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। शुरू से लेके आखिर तक हमारा फ्लेम मीडियम रहेगा और एक एक मिनट के बाद हम इस तरीके से स्पैचुला से हिलाते रहेंगे, यानी कि उल्टी पलटी करते रहेंगे। तो हमने बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए बिल्कुल भी आपको पकौड़े का टेस्ट नहीं आएगा और सूजी से बना रहे हैं इसलिए काफ़ी देर तक कुरकुरे ही रहेंगे। तो इसी प्रकार हिलाते हुए हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो बस हम फटाफट ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरीके से ड्राई है, तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सेकेंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए सेकेंड बैच भी तैयार हो चुके हैं। तो हमारे कुरकुरे टेस्टी मज़ेदार पकौड़े तैयार है, तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है सूजी आलू का टेस्टी नाश्ता, जिसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ऊपर से मैंने मिर्ची फ्राई रख दिया है। पकौड़े तलने के बाद मिर्ची को भी मैंने फ्राई कर लिया था। सूजी आलू से हमने ये नाश्ता बनाया है इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी करारे ही रहेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो घर की चीज़ों से बनने वाला फटाफट नाश्ता रेसिपी है, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अपना कीमती लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। किस शहर से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए। और जैसा मैंने कहा कि आप सारी तैयारी करके रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक डालिएगा और सोडा, और बिल्कुल भी बैटर को गीला नहीं होने दीजिएगा। तो सूजी आलू के बॉन्डे को बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप देखें कितने क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट, तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।